यात्रा और उनकी किताब ग्रास रूट इनोवेशंस के बारे में बातें करेंगे जर्नलिस्ट पारस झा। सेशंस शुरू होने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगी जो प्रोफेसर साहब ने टेड टॉक्स में कही थी और मुझे बहुत पसंद आई, वो है द माइंड्स ऑन द मार्जिन आर नॉट मार्जिनल माइंड्स। ये सोच क्या है और इस सोच का क्या कनेक्शन है उनकी शोध यात्रा से, आइए उन्हीं से बातें करते हैं। वंस अगेन वेलकम प्रोफेसर। सर आपकी 30-35 सालों की जो शोध यात्रा रही है, आज बहुत थोड़े से समय में मैं आपका सहयात्री बनना चाहूँगा इसके बारे में। और आपकी ये जो किताब है, जो कि मैं मानता हूँ कि आपकी अभी तक की जितनी भी शोध यात्राएं हैं उसका एक निचोड़ है, जहाँ पर ना सिर्फ बहुत खूबसूरत बातें और खूबसूरत वाक्यों के अलावा आपके अवलोकन भी इसके अंदर हैं, जो कि देखा जाए तो इस समय में पूरी की पूरी जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसका भी कुछ प्रतिबिंब यहाँ पर मिल रहा है इस बुक में। तो शुरुआत करते हैं। आजकल जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू फ्रेंड्स, आजकल हम जो ATM की लाइन हम बहुत देख रहे हैं, डिमोनिटाइजेशन देख रहे हैं, तो हमारे गुजरात के ही एक बहुत बड़े शायर हैं खलील धनतेजवी, उनकी एक लाइन है, तो उनकी गुस्ताखी के साथ वो लाइन मैं थोड़ा छेड़ना चाहूँगा। धनतेजवी साहब की लाइन है कि आजकल मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है कि आजकल हम सब लोग ATM की कतारों में नजर आते हैं और अपने ही पैसों से बिछड़ने की सजा पाते हैं। जो और बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ पैसे से नहीं हो सकती, कई बार पैसे होने के बावजूद भी नहीं हो सकती। और सर की जो शोध यात्रा है वो इसी बात का प्रमाण है कि हमारा जो ज्ञान है वो अगर देखना चाहें तो ये ATM की कतारों से बहुत दूर अपने देश के कोई कोने में कहीं पर कोई किसान के पास में पड़ा हुआ है और हम शायद उसको संजो नहीं पा रहे हैं, हम उनके साथ पहुंच नहीं पा रहे हैं। सर तो मैं आपसे बात इसके बारे में करना चाहूँगा कि ये हम एक चैप्टर है नोइंग फीलिंग और एंड एंड डूइंग, सो कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन द थिंग्स। क्या होता है कि हम लोग जानते तो इतना महसूस केवल इतना करते और व्यवहार में ये जो विडंबना है, ज्ञान की परिधि बढ़ती जा रही है, महसूस करने का दायरा छोटा हो रहा है और व्यवहार में लाने की जो बात है वो और भी कम हो रही है, ये चिंता का विषय होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ज्ञान बढ़ना बंद हो जाए या ज्ञान की खोज कम हो जाए, लेकिन महसूस करने की जो अनुपात है ज्ञान और उससे होने वाली संवेदनाओं के बीच, उसका अनुपात तो बदल सकते हैं। संवेदना बहुत सुंदर शब्द है, सभी भाषाओं में है, भारतीय गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, सब माने बराबर, वेदना माने दर्द। जब किसी दूसरे का दर्द मुझे उतना ही गहरा महसूस हो जितना उसको होता है तो वो दर्द उसका ना होकर मेरा हो जाता है, और उस दर्द को कम करने के लिए स्वांतः सुखाय की भावना से जब हम सृजनशीलता की तरफ बढ़ते हैं तो वो एक संवेदनशील सृजनशीलता बन जाती है, एम्पैथेटिक इनोवेशन। तो इस किताब में मैंने चर्चा की है कि बहुत सारे लोग गाँव में शहरों में जो केवल अपनी ही समस्याओं का हल नहीं कर रहे, समाज में जो समस्याएं उनको दिख रही हैं उनका भी हल कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको अपनी जैसी लगती है, किसी पे एहसान नहीं कर रहे, स्वांतः सुखाय अपने सुख के लिए कर रहे हैं, और अगर वो भावना हम में भी आ जाए, शहर के लोगों में, बुद्धिजीवियों में, विचारकों में, तो एक आमूल परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि अब आप अंदाजा लगाओ कि 25 करोड़ लोगों को हम 100 दिन का रोजगार देते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी में। मैंने एक चित्र दिया है यहाँ पर, एक विडंबना का 125 नंबर पेज पर, कि
हमारी संसद हमारे सारे नीति निर्माताओं ने क्या सोचा कि गरीब के पास एक मुंह होता है, एक पैर होता है और एक हाथ होता है, सिर नहीं होता। अगर सिर होता तो जो काम हम देते वो सिर का भी देते, सोचने का भी देते, गाने का देते, मूर्तियां बनाने का देते, चित्रकारी करने का देते, है ना, कथाएं सुनाने का देते। जो भी काम चिंतन से होते हैं वो काम उसके लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। हम चिंतक हैं, वो मजदूर है। और वैसा कैसा मजदूर? अनस्किल्ड, यानी जिसके पास कौशल नहीं है, कौशल भी 25 करोड़ लोग इस देश के कौशल विहीन, हमने कह दिया। ये किताब एक तरीके से उसके खिलाफ एक विद्रोह की आवाज़ है कि हम इतने सारे लोगों को देश में कौशल विहीन नहीं कह सकते, बहुत कौशल है उनके पास। एक बार चंपारण में हम जा रहे थे, शोध यात्रा थी, एक बहन मिली राम तमारी देवी, वह अनाज की कुटिया कुटुर बनाते हैं ना, जैसे घर के बाहर ही बनाते हैं वहाँ पर अनाज रखने के लिए, उसके ऊपर बहुत सुंदर चित्रकारी उसने की हुई थी। 150 किलोमीटर की यात्रा में हमें इतना सुंदर जो अनाज रखने का संग्रह करने की कोशिश थी वो नहीं मिली थी। तो हमने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या जवाब दिया उसने? बोली, तो और क्या करती? मैंने कहा, क्यों, तुम्हें एक साधारण कुटिया बनानी नहीं आती? बोले, मुझे तो यही आता है। When excellence becomes imperative, यानी कि आप उत्कृष्ट करने के लिए बात हैं, आपको घटिया काम करना आता ही नहीं है, अरे ये कैसी विडंबना है। इस समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनको हमने कह दिया कौशल विहीन, गरीब लोग, जिनके पास सिर तो है ही नहीं, हाथ पैर खाली मुंह ही है, उसने ऐसा काम किया। ऐसे लोग हमें हर शोध यात्रा मिलते हैं जिनके पास अद्भुत कौशल। सर, आपकी एक शोध यात्रा जो मध्य प्रदेश में हुई थी उसकी एक बात मुझे पता है। स्टोरी ये है कि मध्य प्रदेश की जो वहाँ बीड़ी बनाने का काम चलता है और वहाँ पर बीड़ी के जो पत्ते हैं गुजराती में तेंदू पत्ता कहते हैं, जिससे बीड़ी बनती है, वो तोड़ने के लिए महिलाओं को ही वो काम दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं के हाथ सॉफ्ट होते हैं थोड़े से और छोटे होते हैं, ताकि वो पत्ते को ज़्यादा नुकसान ना होते हुए वो पत्ता टूट सके और वो उसके लिए बीड़ी की प्रोसेस में लगाया जा सके। अब बात यह है कि वो महिलाओं के हाथ में उनके अंगूठे के अंदर चीरा हो जाता है, क्योंकि वो पत्ता जब तोड़ते रहते हैं बार बार, तो उसके कारण उनके ये अंगूठे से खून निकलने लगता है और फिर वो दर्द बढ़ जाता है। सर, वो इनोवेशन की बात यही थी, वो बिल्कुल छोटी बात थी। इनोवेशन क्या था? हमारे पास जो एक छोटा सा, जो जिससे हम रोटियाँ निकालते हैं चिमटा, तो ऐसा बिल्कुल छोटा सा प्लकर चिमटा बनाया गया वो दर्द को निकालने के लिए, और उससे वही काम बड़ी आसानी से होने लगा और वो महिलाओं का दर्द भी दूर हुआ। तो ऐसी सर जो चीज़ें हैं वो हम शहर में, हम बहुत सारे स्टार्टअप फंड्स अभी बना रहे हैं, हम बहुत सारे इनोवेशन फंड बना रहे हैं, तो क्या कोई रास्ता नहीं है सर कि ऐसे छोटे छोटे इनोवेशन्स, उसको हम अगर ये स्टार्टअप और इनोवेशन फंड से जोड़ सके, तो कहीं ना कहीं हम इन लोगों को भी, जो आपने दिमाग की बात कही, उनमें दिमाग होने का प्रमाण हम पूरी सोसाइटी को दे सकें। मध्य प्रदेश का एक उदाहरण और है, एक बहन मिली जो हमारे लिए, हम लोग जो खाने के पारंपरिक तरीके हैं उसकी भी छोटी छोटी हरीफाई का चिंता करते हैं। तो एक बहन महुआ की जलेबी बना के लाई। मैंने ज़िंदगी में कभी महुआ की जलेबी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, खाई नहीं। तो हमने कहा, बहन ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग अहमदाबाद में सात्विक का पर्व करते हैं, 24-25-26 में होने वाला है, तुम आओगी क्या? अब क्या कहती है वो? हाँ, आ सकती हूँ अगर मुझे मास्टर शेफ जैसा अवार्ड मिले। तो मैंने किसी से पूछा, मास्टर शेफ का अवार्ड कितना होता है? बोले 1 करोड़ रुपये का होता है। मैंने कहा, बहन माफ़ कर मुझे, मैं 1 करोड़ रुपये कहाँ से लाऊंगा? लेकिन उस आदिवासी महिला का स्वप्न तो देखो, मैं चौंक गया कि वो कहती है आऊँगी अगर आ सकती, कुछ सोचूंगी आने के बारे में, लेकिन वो अवार्ड मुझे उस जैसा चाहिए। अब टेलीविजन पर देखा होगा उसने वो कार्यक्रम, मैंने तो कभी देखा नहीं था, इसलिए मुझे मतलब पता भी नहीं था। तो मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहे जी, उनको अवसर नहीं मिल रहे ऐसे कि जिससे वो महत्वाकांक्षा एक उद्यम में परिवर्तित हो जाए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। अभी मैं नागालैंड से आया, हमारी शोध यात्रा थी 38वीं। इस शोध यात्रा के बाद हमने देश के सभी राज्यों की एक बार यात्रा कर ली, ये पूरा देश की। अब अगले सिरे से फिर शुरू करेंगे। तो नागालैंड की मैं बातें कुछ बताऊँ आपको, क्योंकि तो फिर उसको कष्ट को लेके जाऊँगा आपको मैं।
उसमें तो थोड़ा कंट्रास्ट हो जाएगा ईस्ट और वेस्ट का। तो नागालैंड में देखा सफाई बहुत थी जी सर, और वहाँ एक जिंजो नाम के किसान, उनकी सूझबूझ की कितनी तारीफ की जाए उतना कम। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से एक एप्पल का पौधे निकल लिया सेब के, अब लगाते थे तो उसमें कीड़े लग जाते जड़ों, क्या करें। तो वहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये लाल मिट्टी जहाँ जहाँ है वहाँ कीड़े नहीं लगते। तो लाल मिट्टी का लेप उन्होंने जड़ों पे किया और समस्या उनकी हल हो गई। अब नागालैंड के सुदूर क्षेत्र में त्वेसांग जिले के अंदर जो बिल्कुल पूर्वी छोर जो है नागालैंड का बॉर्डर पर, वहाँ के किसान इतनी अच्छी सूझबूझ कर रहे हैं। अब कच्छ की बात बताता हूँ क्या हुआ। एक बार हम लोग जा रहे थे शोध यात्रा में, गर्मी का समय था, बहुत गर्मी थी उस ज़माने में, हम 250 किलोमीटर चला करते थे 10 दिन तक, तो एक दिन में 25-30 किलोमीटर चलना गर्मी में थोड़ी परेशानी तो होती थी। तो एक भाई बहुत सारी भीड़ों के साथ जा रहा था, तो हाथ दिया भाई रुकना ज़रा, मन में कुछ कौतूहल था, मजाक कर लंबा सा रुक गया। अब प्रोफेसर सोचता है आई एम का कि बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारी एक भेड़ किसी और के झुंड से अगर मिल जाए तो कैसे ढूंढोगे। मेरे हाथ में कागज़ था, उसमें प्रोग्राम लिखा हुआ था, जैसे ये आपके पर्व का प्रोग्राम है, ऐसे पकड़ा हुआ था अगले गांव में कहा रखेंगे कैसे। बोला ये कागज़ दीजिए मुझे, कागज़ दिया। बोला मुझे सारे अक्षर एक जैसे दिख रहे हैं, मुझे सारी भेड़ एक जैसी दिख रही थी। मैं उसकी भाषा में अनभिज्ञ था, अनपढ़ था, वो मेरी भाषा में अनपढ़ था। उसने तमाचा लगाया मेरे को जोर से और भाग गया, क्योंकि भेड़ उसकी आगे निकल गई। ये ज्ञान वही था, ये विद्वता है। ऐसा सबक मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि कई बार प्रोफेसर भी कितने बेवकूफ़ होते हैं, ताकि उनको ये वहम ना रहे कि प्रोफेसर सब कुछ जानते हैं। तो मैंने जिक्र किया है साथ में कई सारे ऐसे किस्सों का, जिसमें सवाल को एक दूसरे सवाल से उठाकर हमारा समाज आपको सोचने में मजबूर करता है। एक बार हम गीत पहली शोध यात्रा हमारी 1998 में गीत तलाला से स्वामीनगढ़ तक भावनगढ़ जूनागढ़ अमरेली होते हुए, तो हम एक दिन रात को जंगल में रुकने वाले थे गीत जंगल में। तो उससे पहले एक भाई हैं, किसी ने बताया था सब उनसे ज़रूर मिलना, आप शेरों के बारे में बहुत जानिए, इस्माइल भाई उनका नाम। तो हम उनके घर पर रुके, एक झोंपड़ी सी बनी हुई थी नदी किनारे, तो हमने बोला शेर कब आते हैं यहाँ पर। तो क्या बोला आपने, मैंने कहा शेर कब आते हैं यहाँ। बोले शेर तो यहीं रहता है, आते हैं तो आप लोग हैं। है ना सवाल सही, बदल दिया सोचने का दायरा उसने मेरा। मैं समझता हूँ बड़ा संवेदनशील व्यक्ति हूँ, जानवरों के प्रति बड़ा संवेदना रखता हूँ, लेकिन मेरा सवाल इतना बेवकूफ़ी भरा था। और इस किताब में मैंने काफ़ी जिक्र किया अपनी बेवकूफ़ियों का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतना अहंकार आ जाता है हमारे अंदर कि हम फिर सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं, और सुनना तो और भी बदल जाते हैं, अपनी बात सुनते हैं जरा। तो इस किताब में मैंने जिक्र किया है इस तरह का कि कैसे सीखा जाए। एक बात आपने जो कहा उससे ऊपर से कहना चाहूँगा, अभी जो डियर जिंदगी मूवी आई है, बहुत सारे फ्रेंड्स ने देखी होगी, उसके अंदर एक बात कही गई है अपने शाहरुख खान के मुँह से बताई गई है और फिर आलिया के मुँह से उसको दोहराई गई है कि हमें सफलता पाने के लिए, सफल बनने के लिए हमें क्यों मुश्किल काम ही करने जरूरी है, हम क्यों आसान काम नहीं कर सकते। तो सर बात यहीं पर आगे अटकती है, क्योंकि आपने कहा कि हम सरलता से क्यों नहीं सोच सकते, जब क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम अर्बन हैं, इसलिए हमें कुछ जटिल चीज़ों का जटिल सॉल्यूशन ही ढूंढना जरूरी है, हम सरल क्यों नहीं हो पाते हैं, ये डिफरेंस क्या है। बड़ा साधारण सा जवाब है, गुजरात में दो उदाहरण दूंगा। एक 60% महिलाएं एनीमिक है, लगभग ऐसा कहते हैं, तो इसका इलाज बड़ा साधारण सा। अब क्योंकि साधारण इसलिए आप लोग मेरी बात मानेंगे नहीं, ये मेरी आशंका है। तरीका क्या है कि दिन में एक खाना हम लोहे की कढ़ाई में बनाएं, एक सप्ताह आयरन मिल जाएगा, हमारी समस्या का हल हो जाएगा। जब से लोहे के बर्तन हमारी रसोई से गया, एनीमिया की प्रॉब्लम हमारे घरों में सब में आ गई, मतलब 60% का मतलब गरीब की समस्या नहीं है ये,
मध्यम वर्गीय लोग जो हैं उनके घर में भी दिक्कत है, संपन्न लोग के घर में भी दिक्कत है, पढ़े लिखे लोग प्रोफेसर को भी दिक्कत है, ऐसा नहीं खाली विद्यार्थियों को है। तो इसका इलाज बड़ा सरल है। कंबोडिया में एक विद्यार्थी ने क्या किया, मैंने उसका जिक्र किया है कि उसने एक मछली बनाई लोहे की, कास्ट आयरन, दाल सब्जी में डाल दो मछली की, मछली डाल दो लोहे की, इतनी सी मछली पांच लोगों के परिवार के लिए पांच वर्ष का जो आयरन की रिक्वायरमेंट है पूरी करती है। अब इससे कम खर्च का कोई इलाज है, इससे साधारण कोई इलाज हो सकता है इतनी बड़ी समस्या का? लेकिन ये समस्या का समाधान आपको ना तो दूरदर्शन पे मिलेगा ना अखबारों में मिलेगा, क्योंकि बात सरल बात है ना, विश्वास नहीं होता है। हम समझते हैं कि असली समस्या का समाधान जब तक जटिल ना हो वो समाधान रोचक कैसे हो सकता है, वैज्ञानिक कैसे हो सकता है? बिल्कुल सर। लेकिन इस किताब में मैंने बार बार जिक्र किया है कि बहुत सारी बार, एक दिलीप भाई हैं अपने स्वराष्ट्र के, अभी 11 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में हमारी एक परमानेंट एग्जीबिशन हो गई है, आप सबको जानकर खुशी होगी, शुक्रवार शनिवार इतवार को 11 से 5 तक वो खुली रहेगी पूरे साल, कभी भी आप जाएँ देखें। गर्व की बात है कि हनी नेटवर्क की पहली प्रदर्शनी ऐसी राष्ट्रपति भवन में मिली, तो वहाँ हम दिलीप भाई को लेके गए यहाँ से। अब दिलीप भाई ने क्या किया, बच्चे आते थे क्लास में, 40% बच्चे हमारे देश के, हमारे राज्य में 1 से 5 वर्ष की उम्र में कुपोषण से ग्रसित, बड़ी दुख की बात है लेकिन सच बात है। तो उनको चिंता हुई कि बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो ध्यान बढ़ता है, क्या करना चाहिए? बोले एक एक मुट्ठी घर से अनाज ले आओ, हो सके तो कठोर ले आना, दाल ले आना। बच्चे ले आए, उन्होंने उसको अंकुरित किया, जर्मिनेट किया, स्कूल में खिला दिया बच्चों को, बच्चों को उनका स्वास्थ्य सुधरना शुरू हो गया। 6 महीने बाद फिर टेस्ट किया उन्होंने हीमोग्लोबिन का, सब बच्चों का स्तर बढ़ गया, अटेंडेंस की दिक्कत खत्म हो गई, ध्यान रखने लगा, क्लास में जो अटेंशन की डेफिसिट था वो अटेंशन डेफिसिट खत्म हो गया, बच्चों की परफॉर्मेंस। अब क्योंकि ये सरल तरीका है, इसमें कहीं खर्चा नहीं हो रहा बजट का, तो शिक्षा विभाग की नज़र नहीं पड़ेगी इसके ऊपर, बजट नहीं खर्च हो रहा ना इसके अंदर, इसमें तो ध्यान चाहिए, इसमें संवेदना चाहिए, इसके अंदर थोड़ी निष्ठा चाहिए, स्नेह चाहिए, बच्चों के लिए दिल में कुछ दर्द होना चाहिए। तो उस दिलीप भाई ने कर दिया, तो हम उनको लेके गए इस पर प्रदर्शनी के भाषण के समय में, क्योंकि राष्ट्रपति जी को मैंने कहा आप ऐसे लोगों से मिला करें जो लोग अपनी सूझबूझ से समस्याओं का हल करते हैं, शिक्षा में, मर्यादाओं में, तकनीक में, संस्कृति में, ऐसे बहुत लोग। सर आप जो बात कर रहे हैं, मिशन ये भी है कि हम बहुत सालों से, सदियों से हम ज्ञान की पूजा करने वाले देश माने जा रहे हैं, हमारे पास तक्षशिला थी, नालंदा थी, अब नहीं है सर, और फिर भी हम आज अपने आप को नॉलेज सोसाइटी कह रहे हैं, हम अपने हम ये कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज हमारे नॉलेज से बहुत दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक कर रहे हैं। तो सर आपके हिसाब से ज्ञान के समाज के काम करने की परिभाषा क्या होती है? क्योंकि अभी आपने कहा कि हम यही सोचते हैं कि गरीब के पास दिमाग नहीं होता, हम उसको सोचने का काम नहीं देते, हम उनसे हाथ का काम लेते हैं मगर दिमाग का काम नहीं देते, तो सर ये समाज की परिभाषा क्यों है? पहले इसका एक और संदर्भ बताऊँ, आप सब लोग अगर अपना पिछले एक हफ्ते का डाउनलोड टू अपलोड रेशो देखें, समझ आ रही मेरी बात, डाउनलोड टू अपलोड रेशो तो क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा होगा ना, यानी कि ये समाज कंज्यूमिंग सोसाइटी है, ये तो सारे दुनिया पैदा करेगी ज्ञान, हम उसका भोजन बनाएंगे, हम नहीं ज्ञान बांटेंगे किसी से, ये देश कैसे नेतृत्व करेगा दुनिया का मुझे बताओ ना। ओके, ये लीडर ऑफ द वर्ल्ड, नो वे, तक्षशिला नालंदा को भूल जाओ आप लोग, उसका कोई संदर्भ ही नहीं है। आपने पंचमहल में ओद्रा में सुना होगा पिथौरा की चित्रकला की परंपरा, तो हम एक शोधयात्रा में जब वहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा है घर में बड़ा सुंदर दीवार पे बना, हमने बोला भाई आपने ये क्यों बनाया, बोला भाई ऐसा था घर में भाई बीमार हो गया था तो हमने मान्यता मांगी इसको ठीक कर दो तो एक दीवार पर हम चित्रकला बना देंगे, पिथौरा की पेंटिंग करा देंगे। अरे कैसा समाज है ये, कैसा समाज है, मान्यता मांगता है भगवान मेरे रोगी भाई को ठीक कर दे तो मैं एक दीवार पेंट करा देता, यानी कि इतना कला है उसमें, इतनी कथा, आप देखो उस पेंटिंग के अंदर पूरी कहानी होती है, वो वर्क नहीं है। अगर हम कलाकार को कहें कि जाओ हर प्राइमरी स्कूल की दीवार पर एक एक दीवार पर कहानियाँ बनाकर आओ
तो उसको काम नहीं मिलेगा, वो रोजगार नहीं है, वो बजट है सर, रोजगार है ना वो, लेकिन वो रोजगार नहीं देंगे हम तो पत्थर ही तोड़वाएंगे उससे, हम तो मिट्टी खुदवाएंगे उससे। ये समाज सोचने वाला समाज ऐसा नहीं करता, सोचने वाला समाज सबको सोचने का मौका देता है। और हमने यही इकट्ठा किया इसके अंदर, पूरे देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूझबूझ से कितने सारे काम कर लिए। इस गुजरात के अंदर तो हमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं इनोवेटर्स को, और तो और 10 इनोवेटर राष्ट्रपति जी के यहाँ स्कॉलर इन रेजिडेंस रहते हैं, मेहमान बन के रहते हैं 10 दिन तक राष्ट्रपति भवन में 10 स्कॉलर। उसमें से अमृत भाई हैं पिपौर के, मनसुख भाई पटेल हैं अमरेली के, ये सब वहाँ रहकर आए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने अपने ज्ञान को सारे दुनिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ बांटा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास उदाहरण ना हो, हम लोगों के पास पिछले वर्ष तक 108 देशों से क्वेरीज आई ग्रासरूट इनोवेशन के लिए, 108 देशों से। वो लिस्ट अगर आप छापेंगे तो एक लंबा पर्चा आपका पेज का एक हिस्सा जाएगा, उसके अंदर सिर्फ उन कंट्रीज़ के नाम और किस किस क्वेरी के लिए उन्होंने पूछा, ये साबित करेगा कि कहाँ कहाँ से लोग ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कि हिंदुस्तान में डाउनलोड टू अपलोड रेशो बदल नहीं सकता। अनिबी नेटवर्क ने सबसे ज़्यादा ज्ञान ओपन सोर्स पर रखा है, 15,000 अनुभव तो सृष्टि की वेबसाइट पर हैं, सृष्टि .org पर हैं। मेरे साथी हैं विजय, जिन्होंने टीचर्स एस ट्रांसफॉर्मर्स .org में 10-12,000 टीचर्स का अनुभव रखा है। हमारी techpedia.in में 2,00,000 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी है। मतलब आज हम कह सकते हैं कि दुनिया में ओपन सोर्स में हमारे युवा लोगों का, किसानों का, कारीगरों का ज्ञान सबसे ज़्यादा अनिबी नेटवर्क का। क्योंकि जब तक आप मुक्त रूप में नहीं बांटेंगे, हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं कि लोग उस ज्ञान का उपयोग कर पाए। तब आज हमने ज्ञान बांटा तो 108 देशों से हमारे पास आई ना क्वारी जी। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर हम ज्ञान बांटेंगे तो बाकी दुनिया के देश हमारी तरफ देखेंगे, लेकिन हम बांटने में संकोच करते हैं। सर एक दूसरी भी बात है, आपने जो आप कह रहे हैं उससे एक बात निकल के ये आ रही है सर कि हमको ये पता है कि प्रॉब्लम क्या है, हम सबको पता है, हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं हम सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, और कहीं ना कहीं हमको ये भी पता है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो हल क्यों नहीं निकल रहा, हम क्यों भी क्यों इस प्रॉब्लम्स के साथ में सॉल्यूशन जानते हुए भी हम चले जा रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाई सोसाइटी इज डूइंग दैट। दो जवाब हैं, लेकिन पहला जवाब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो मैं आप सबसे पहले से कह दूँ इस बात को कि आप इसको गलत ना समझिएगा। महिलाएँ जो हैं पुरुषों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा दिक्कतों के साथ समझौता कर लेते हैं, इसलिए नहीं कि उनको अच्छा लगता है, इसलिए कि वो इतनी क्रिएटिव हैं इन कोपिंग विद दिस स्ट्रेस, नॉट इन ट्रांसजेंडिंग इट। तो वो कितनी भी तकलीफ में आपको तो आप उनके लिए पैदा कर देंगे तो वो रास्ता निकाल लेती हैं जीने का। अब उनकी जो सामर्थ्य है वो उनकी कमजोरी बन गई। तो जब हम बच्चों को देखते हैं, उनका अनुपात इग्नाइट अवार्ड में जो बच्चों को देते हैं, डॉक्टर कलाम आया करते थे पहले जी, अब उसका नाम उन्होंने APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड रखे, उसमें लड़कियों का अनुपात करीबन 43-44% है। अच्छा, लेकिन जब हम बड़े लोगों को पुरस्कार देते हैं तो महिलाओं की संख्या 5-10% आ जाती है। शादी हो जाती है, कहाँ चली जाती हैं वो बच्चियाँ, इतनी सृजनशील जो हैं वो कहाँ खो जाती हैं, वो खो नहीं जाती हैं, उनको खोने में हमारे समाज में कारपेंट्री और ब्लैक स्मिथी के औजार लड़कियों को महिलाओं को उठाने के लिए पाबंदी लगा दी, आपको महिला लोहार नहीं मिलेगी, महिला कारपेंटर पढ़ा ही नहीं मिलेगा, पाबंदी लगा दी, आप ये काम नहीं कर सकते। और तो अगर विचार है भी तो उसको क्रियान्वित कैसे करें, वो जिस काम को वो अच्छा कर सकती है उसके अंदर बहुत ज्ञान है उनके पास, चाहे वो खाने का हो, चाहे कपड़ों का हो, चाहे बच्चे को पालने का है, अद्भुत ज्ञान है। लेकिन जो और समस्याएं हैं, आज भी जब दूध का बर्तन, मैंने लिखा है किताब में, आप अंगीठी या स्टोव से उतारते हैं तो क्या लेते हैं हाथ में, एक कपड़ा लेते हैं। पिछले 2000 साल से ये देश दूध के पतीले को कपड़े से उतार रहे, हम टोंग नहीं बना पाए ढंग की, सही बात है कि नहीं, हम सबका अनुभव है ये। खाली मैं कहूँ गांव की बात है, ऐसा नहीं शहरों की है,
तो एक तो कारण मुझे लगता है कि हम दिक्कतों के साथ जीना सीख गए, हमारी कर्मण्यता नहीं कहूँगा महिलाओं के साथ तो ये एडजस्ट कर लिया सर, लेकिन जो हम लोग हैं ना पढ़े लिखे लोग वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ छोटा सा, शालिनी क्लास 8 की बच्ची पटना में, उसके दादाजी, उसका फोटो दिया है इस किताब में, उसके दादाजी बाकर यूज़ करते थे, मेरी पत्नी साधना भी यूज़ करती है क्योंकि उसको बैलेंसिंग में दिक्कत है। अब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आएगी, मैं उसको प्यार बहुत करता हूँ, लेकिन उसकी तकलीफ देखने के बावजूद रोज़ मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि वॉकर को अगर आप थोड़ा सा भी सीढ़ी पर चढ़ाना चाहो तो वो नहीं चढ़ सकता क्योंकि उसके पैर फिक्स होते हैं। तो शालिनी ने लिख के भेजा कागज़ पे, क्या इसके पैर एडजस्टेबल नहीं हो सकते, बनाया नहीं कुछ उसने, दो लाइन लिख के भेजी। हमारी NIRP टीम ने अमरापुर में हमारा कैंपस बन रहा है वहाँ पर उन्होंने फैब लैब में बना दिया। अब जब ऊपर चढ़ेंगे तो पैर छोटे जाएंगे, नीचे उतरेंगे तो पैर बड़े हो जाएंगे, उसमें लगा दिया क्लच जैसा। ये एक कंपनी को लाइसेंस कर दिया, उस कंपनी ने कुछ लाख रुपया शालिनी को लाइसेंस भी दी और हर वॉकर की बिक्री पर 100 रुपया उसको क्या बात रॉयल्टी मिलती है। यानी हमारे देश की यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है वो, तो मतलब ऐसा नहीं कि अगर मौका मिले तो वो कर नहीं सकती कुछ, लेकिन वही संभावना जो है, जैसे हम बड़े होते हैं ज़्यादा ज्ञान पा लेते हैं तो हम इनर्शिया को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसके बहुत सारे कारण मिल जाते हैं हमको, ऐसा क्यों हो सकता है इसका कारण नहीं मिलता। As they say, many times there's only one reason why you want to solve a problem, that's because right. you can't live without it. Definitely. तो वो जो बेचैनी है उसकी कमी है, बेचैनी का अभाव, बेचैनी का अभाव है, बड़े चैन से बैठे, नींद अच्छी आ रही है लोगों को, दिक्कत ये है किसी की नींद नहीं जा रही कि यार आपने रोटी में, आप रोटी के साथ चावल खाया होगा आप लोगों ने दोपहर के टाइम, वो चावल की जो रुपाई होती है धान की, महिला कमर को मैटक जैसा बनाकर पैरों में पैर पानी में रखती है और 2-10 दिन तक 20 दिन तक वो पानी में चलती है, पैरों में अल्सर हो जाते हैं, कमर में दर्द होता है उसकी जो कि तुकती क्यों है, बैठ नहीं सकती क्योंकि पानी है खड़ा हुआ खेत के अंदर। हम ट्रांसप्लांटर नहीं बना पाए मैनुअल धान का, धान की रुपाई का 20 सैटेलाइट सिंगल लॉन्च में हमने भेजे, अभी 85 सैटेलाइट भेजने वाले हैं एक लॉन्च। देश में वैज्ञानिक या तकनीकी सूझबूझ का अभाव नहीं है, फिर क्यों नहीं दिखती है दिक्कतें? चाय पीते हो, मैंने उसका उदाहरण लिया किताब में, चाय पीते वक्त उसके बारे में सोचते हैं जो महिला चाय बगान में चाय की झाड़ी से बर्ड को तोड़ती है नाखून से और ऐसे डालती है? अगर ऐसे हम करें 10-15 बार तो हमारे दर्द होता है यहाँ पर, वो करती है 2,500 बार दिन में, दर्द नहीं होता होगा उसको, लेकिन उसका दर्द हमें चाय की तैयारी में दिखता नहीं है, संवेदना महसूस नहीं होता है, इसलिए हम उसके दर्द के लिए कुछ करते नहीं। तो मतलब मेरा कहने का ये कि ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं जैसे आपने कहा ठीक कहा भारत कि वो मालूम है हमको और शायद जवाब भी मालूम हो जाएगा इसका हमारा, लेकिन वो क्यों नहीं करते कि वो नोइंग फीलिंग एंड डूइंग वाला मामला है, संवेदना की कमी, संवेदना की कमी है, हमें वेदना नहीं हो रही है दिल के अंदर, तकलीफ नहीं। तो सर एक इस ये जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर से एक थोड़ी सी अलग टाइप की बात कहनी है और आपसे पूछना भी है जवाब, क्योंकि शोध यात्रा में कहीं ना कहीं सर आपने इसके बारे में भी सोचा ही होगा। सर ये जो नई न्यू मॉरल है, जो नई नैतिकता की बात कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हम शायद ये जो नैतिकता हमें पता है हम नहीं कर पा रहे हैं, जो मानसिक और भौतिक आलस्य जो है हमारे पास है, तो उसके साथ हम जी लेते हैं, ये तो हम जीना सीख भी गए हैं, हमने एडजस्ट कर लिया है, तो इससे कैसे बाहर निकले, इससे कैसे डील किया जाए? ये बड़ी विडंबना है, एक नई नैतिकता का निर्माण हुआ हमारे समाज में जिसके अनुसार जितना प्रबुद्ध हैं आप, जितने संपन्न हैं उतना ही अधिकार आपको मिल जाता है निराशा फैलाने का। द मोर डेवलप्ड, द मोर इकोनॉमिकली वेल ऑफ यू आर, द मोर सिनिकल यू आर, उतना ही ज़्यादा निराशावादी आप। अब समाज ने सब कुछ दे दिया आपको, बदले में आपने क्या दिया? निराशा। कैसा सौदा हुआ ये, तो गड़बड़ सौदा हो गया ना भाई, मतलब सोसाइटी हैज बीन चीटिंग, सोसाइटी गेव अस रिस्पेक्ट, सोसाइटी गेव अस वेल्थ, सोसाइटी गेव अस स्टेटस, इन रिटर्न व्हाट आर वी आर गिविंग? सिनिसिज्म। मुझे लगता है कि एक ये जो मानसिक आलस्य के साथ जीने की जो आदत है जिसको अकर्मण्यता बोलते हैं ना, एक
ऐसी आदत जिसमें कुछ ना करे हुए भी हम जी सकते हैं. आई कैन बी एट पीस विद माई सेल्फ विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस टू एनी बडी एंड लाइफ जस्ट कीप्स ऑन मूविंग. मतलब तकलीफ ही नहीं हो रही, जिंदगी चली जा रही है. वो जो आदत है उसको बदलना पड़ेगा, और उसको बदलने के लिए कई पहल जरूरी हैं. एक जरूरी बात ये भी है कि चुनौती हम अपने आप को भी दें, समाज को भी दें. गांधी जी ने 1929 में 25 जुलाई 1929 में एक चैलेंज अवार्ड घोषित किया. देखिए भाई, हम लोग बात करते हैं दुनिया भर से, हम सीख के आते हैं, लेकिन अपने देश का जो ज्ञान है उसको भूल जाते हैं. तो उन्होंने कहा 7,700 पाउंड, यानी कि उस ज़माने का 1,00,000 रुपया, उसका पुरस्कार मिलेगा जो चरखे का नया रूप तैयार करेगा. अब चरखे का नया रूप कैसा हो उसकी बाउंड्री कंडीशन गांधी जी ने डिफाइन करी. उसका वजन कितना हो, उसका कितने काउंट का धागा हो, कितना लंबा धागा बने एक दिन के अंदर, बहन को थकाव नहीं होनी चाहिए, रख रखाव में 10% से ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, कीमत 150 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 साल चलना चाहिए, ये सब उन्होंने लिखा. और बोले पेटेंट कराना है तो करा सकते हो, लेकिन अगर इनाम चाहिए तो पेटेंट गांधी खादी प्रयोग समिति जो साबरमती में है उसके नाम करना पड़ेगा. कमेटी के जूरी के सदस्य कौन थे? राजगोपालाचारी, बैंकर, ये सब लोग सदस्य थे कमेटी. अब उसकी आज कीमत 10 करोड़ रुपया होगी. इस देश में आज एक भी ऐसा पुरस्कार तो नहीं है जिसको, जो समस्याओं के साथ पिछले 2000 साल से हम जी रहे हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए बड़ी चुनौती दी जाए. जी सर, तो मुझे लगता है कि कुछ चुनौतियों का अभाव है. कुछ चुनौती जो बाहर से आती है और कुछ चुनौती हम अपने आप को देते हैं, दोनों का अभाव. वी ऑल्सो डोंट चैलेंज आवर सेल्स, वी लर्न टू लिव विद लेस एंड बी हैप्पी. एवरी टाइम यू लर्न टू लिव विद लेस, एक्चुअली यू एक्सपेक्ट लेस. अगली बार आपकी अपेक्षाएँ कम हो जाती हैं, और इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है कि हम अपने आप से उम्मीदें कम कर दें. तो ये एक समस्या है समाज में, जिसका इलाज मेरे को लगता है ऐसे लोगों से मिलना है जिनसे हम मिल के आते हैं शोध यात्राओं में, जिन्होंने किसी न किसी समस्या का हल जी अपने आप किया होता है. और हमने तो बच्चों को भी पुरस्कार दिया है, बड़ों को दिया है. यंगेस्ट चाइल्ड गॉट एन अवार्ड वॉज क्लास 1 एज 5. अगर एक पहली क्लास का बच्चा भी किसी न किसी समस्या का हल कर सकता है तो देश में इस संभावना की कमी नहीं है. जी सर, संवेदना की कमी. ग्रेट. सो नाउ आई वुड लाइक टू यू नो ओपन दिस सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. अगर कोई भी मित्र को प्रोफेसर साहब से कोई क्वेश्चन पूछना है उनके शोध यात्रा के अनुभवों के बारे में या शोध यात्रा के बारे में, सो प्लीज़ फील फ्री, आपका हाथ उठा दीजिए. So we have only 5 to 7 minutes, so please give your questions very सर. आपने अपने प्रवचन में समस्याओं की बात की, हर जगह पे उसका हल भी है, लेकिन आपने अपने प्रवचन में काफ़ी ये भी बताया कि हम ये क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों नहीं सोच रहे. तो ये हम कौन है? सरकार है, एनजीओ है, पीपल? तो पीपल इज इन जनरल टर्म्स. Who is the specific you were addressing? जो लोग यहाँ बैठे हैं वो इस हम में शामिल हैं. सभी लोग जहाँ बैठे हैं मेरी बात सुन रहे हैं वो तो निश्चय ही इस हम में शामिल हैं, क्योंकि अगर आप अखबार उठाइए तो कितने इंच मिलते हैं रोज़ आपको नई नई सृजनशीलता के बारे में पढ़ने के लिए. बताइए, 4 इंच नहीं मिलता? 10 पेज के अखबार में 4 इंच नहीं होते रोज़ जिसमें किसी के नई सूझबूझ की बात की गई. हमारे पास 2,00,000 अनुभव हैं 550 जिलों से. आप अगले 100 साल तक रोज छापोगे ना तो भी कमी नहीं पड़ेगी. एक तो आप शामिल हैं इसके अंदर, आप अखबार से हैं, इसलिए सबसे पहला गुनाह गार मैं आपको बनाता हूँ. ठीक है ना? और दूसरा गुनाहगार कौन है? जो लोग पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, वो भी शामिल हैं इसके अंदर. क्योंकि हम बच्चों को क्लास में ऐसे उदाहरण नहीं देते जिससे उनका मनोबल बढ़े, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े, जिससे उनके अंदर समस्या को हल करने की संभावना पड़ेगा. नीति विचारकों की बात छोड़ दें, वो थोड़ा सा समय से पहले पिछड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको माफ़ कर दूँगा. लेकिन मैं आप सबको कैसे माफ़ करूँगा जो मेरी बात सुनते हैं बार बार, पढ़ते भी हैं कई बार, लेकिन फिर भी आदि हो जाते हैं बिना समस्याओं को हल करे. तो मुझे लगता है कि थोड़ी चेतना बढ़ाएँ और थोड़ी जिम्मेदारी का भाव बढ़ाएँ,
हम सब नासिर भाई हैं यहाँ खानपुर में अपने अहमदाबाद में, उन्होंने एक गाड़ी बनाई जिसके अंदर आपके ब्लूटूथ का एक डिवाइस बनाया जेब में, आप उसके गाड़ी के 10 कदम पे जाते हैं तो गाड़ी के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अब उनके मन में था यार शॉफर तो मैं रख नहीं सकता हूँ लेकिन दरवाजे मेरा भी खुलना चाहिए यही अपने अहमदाबाद के। अब कितने लोग जानते हैं उनके बारे में मुझे बताइए आप, मैं तो नहीं घर घर जाकर बता सकता ना। तो वो काम आप लोगों का है, बिल्कुल सर बिल्कुल, ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल सर। और कोई क्वेश्चन? सर जी आपके पास से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, एक ऐसी इच्छा है कि जैसे आप शोध यात्रा के लिए इतना कुछ करके आप इतना अनुभव पाके बैठे हैं, तो मेरा एक छोटी सी इच्छा ये है कि जैसे शिक्षा के बारे में शोध यात्रा नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, और शिक्षा का सबसे बड़ा तरीका जो है वो यही है कि ऐसे सवाल पूछने की आदत डालें जिनका जवाब हमें ना आता हो, और अगले दिन हम कहें कि भाई आज मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता हूँ, कल पढ़ के आऊँगा फिर जवाब लूँगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ अपने अध्यापकों से मिलता हूँ तो पूछता हूँ कि ऐसे सवालों का जवाब मुझे बताओ जिनका जवाब तुम नहीं दे पाए। मैं अपनी क्लास में, मैं 6-7 कोर्स पढ़ाता हूँ आयन में, एक ग्रेड तो उसी को देता हूँ जिससे कुछ नया सीखता हूँ, वरना एक ग्रेड तो नहीं दे सकता। चाबी है यहाँ पर, अगर कोई आईएम में जाना चाहता तो ध्यान रखें क्योंकि हमारी आदत क्या हो गई है कि हम बच्चे किसको नंबर ज़्यादा देते हैं जिसने वो कहा जो मैंने पढ़ाया था, वो थोड़ी मकसद था हमारा बनाना, हम अपने क्लोन थोड़ी बना रहे हैं, हम बनाने एक सजग समाज जो सोचने वाला हो, जिसके पास मौलिक सोच हो, ओरिजिनल थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग जब आएगी जब वो मेरे से आगे जा की बात करें वो चिंता कराना चाहिए। ऐसे अध्यापक हैं, आप भी हैं और भी लोग हैं जिन्होंने अद्भुत काम किया है, इन्होंने एक टीम भेजी थी स्वीडन में ना, स्वीडन में, और वो टीम वहाँ जीत कर आई, मतलब अपने सरकारी स्कूल के बच्चों की मैं औरों की क्या बात करूँ, और वस्तापुर में इनका स्कूल है, वस्तापुर के स्कूल की टीम स्वीडन जाती है फुटबॉल के लिए ना, फुटबॉल के लिए बताओ वहाँ जीत के आती है। तो मतलब ये तो ऐसे अध्यापक हमारे यहाँ हैं लेकिन आप वो जानते नहीं हैं, ये दिक्कत उसके जिम्मेदार लोग भी यहीं बैठे हैं। एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस यू, अभी आपने बोला कि जो बोलते हैं जो चाय की पत्तियाँ लेने जाते हैं, माइक ऊपर रखें अपने मुख के पास, हाँ तो वो उसका प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी है, बट जिसको प्रॉब्लम है वही नहीं समझ रहा ना, अगर जब तक वो नहीं समझेगा सॉल्यूशन। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा है, मैंने एक सेक्शन लिखा है इसमें कि महिलाएं समस्याओं के साथ जूझने में रचनात्मकता ज़्यादा दिखाती हैं उनको पार करने के बजाय, उसका कारण मैंने पहले बताया था, एक तो ये कि हमारे यहाँ कारपेंट्री और ब्लैक्स स्मृति के टूल महिलाओं को नहीं दिए गए, मतलब पाबंदी लगा दी, वो कारपेंटर नहीं बन सकती वो ब्लैक्स बनती। लेकिन एक चीज़ मैंने और की, मैंने रूरल बायोलॉजिकल अध्ययन किया, मतलब स्टडीज़ को दिया रेफर किया है कि जिसमें देखा कि दिमाग जो हमारा है उसमें क्या फ़र्क। तो एक स्टडी ने बताया fMRI करके कि पुरुषों के दिमाग में आगे और पीछे के हिस्से में ज़्यादा कनेक्शन होते हैं, महिलाओं के दिमाग में दाएं और बाएं के दिमाग में ज़्यादा कनेक्शन, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन बोथ गो ऑन ऑल द टाइम, वी कैन कंपार्टमेंटलाइज, हम बहुत सारे भाषण दे सकते हैं बिना उसके ऊपर सोचे हुए कि किसका क्या असर होगा, महिलाएं नहीं कर सकती ऐसा, उनको हर चीज़ के प्रति जिम्मेदार बनना पड़ता है, उनको हर चीज़ के लिए व्यवहार में लाने की सोचना पड़ता है। तो वो जो सीमा बना दी उन्होंने कि मुझे वो काम करने हैं जिसको मैं व्यवहार में ला सकूँ, तो दूर काम की सोच कभी कभी संकुचित है, उनकी जो ताकत है वो उनकी कमजोरी बन जाती है। इसलिए शायद हमें सोचना पड़ेगा कि समाज में कैसे मौका दिया जाए कि उनकी सोच उतनी लंबी हो जितनी और किसी की, ये एक विडम्बना भी है और एक हमारे देश की हमारी संस्कृति की कमी भी है क्योंकि हमने उनको उतनी लंबी छलांग लाने का मौका शायद नहीं दिया, तो आदत पड़ गई। सर अगर कोई इनोवेशन होता है, आपने बोला कि बहुत सारे इनोवेशन होते हैं, पर उस पब्लिक तक कैसे पहुंचाते हैं आप लोग की जिसको सच में जरूरत है? कई तरीके हैं उसके, एक तरीका तो ये है कि आप जैसे बच्चे हमारे साथ आ जाएं और जगह जगह जाकर उसका प्रदर्शन करें, उनको दिखाएं। तो जैसे हम झाड़ू बनाने के लिए हमने लास्ट ईयर समर स्कूल किया है इसी साल, तो
तो उसमें कैसे मशीन बनाई जाए नारियल के पत्ते को छीलने की ताकि उसकी पतली पतली डंडियाँ बन जाए, धागे बन जाए, तो उसकी मशीन बनवाई, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है मारने के लिए कीड़ों के ऊपर। दूसरा तरीका ये भी है कि आप लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर बहुत सारे चैट कर लेते हैं, लेकिन एक भी संदेश किसी ने जो नया किया उसका नहीं भेजते हो किसी को भी। भाई देख, कसम खाओ आज से मेरी किताब मत पढ़ना, ये तो मैं मना कर रहा हूँ पढ़ने के लिए आपको, लेकिन कम से कम हर रोज एक मैसेज हमारी साइट से किसी भी इनोवेशन का फॉरवर्ड कर दो। तो इतना कर देंगे तो पूरे देश के अंदर ये बात फैल सकती है। अगर आपने किया 10 लोगों को, 10 लोगों ने और 10 को किया, यू नो इट कैन बिकम अ वायरल इफेक्ट। आई वुड अपील टू यू, प्लीज कंसीडर इट एज योर ड्यूटी, बिकॉज वी कांट डू इट। सिर्फ डाउनलोड ना करिए, अपलोड भी करिए और शेयर भी करिए। यस, लास्ट क्वेश्चन। नमस्कार, मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो जो क्रिएटिविटी होती है आज की जो पढ़ाई है स्कूलों में, वो काम यही होता है कि उसकी जो सृजनशीलता है वो धीमे 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 जैसे जाता है ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही अपने स्कूल की सिलेबस में, पढ़ाई में, या इस तरह का कि बच्चों की सृजनशीलता को अब मारे नहीं उसको। और हमारा अध्ययन ये कहता है कि बच्चे तो सृजनशील हैं, वी शुड नॉट मेक देम सिंक ऑफ सरमंस बट सोर्स ऑफ आइडियाज। उनको उपदेश के लिए बर्तन मत बनाओ, ये करो वो करो, 24 घंटे उनको उपदेश देते हैं बच्चे। एक बच्चे ने देखा कई बार, जैसे कुछ लोग यहाँ पर सीधे नहीं बैठे ना, आगे हो गए उनसे, तो वो कमर से आगे हो गए उनसे, तो कमर के अंदर दर्द हो सकता है कई बार। तो एक बच्ची ने कुलसुम रिजवी लखनऊ से, पाँचवीं क्लास की बच्ची, संतोष फ्रॉम हरदोई, उन्होंने कहा यार सेंसर लग, यहाँ प्रेशर सेंसर लगा दो, अगर हमने उनको ठीक से नहीं दबाया तो सामने स्क्रीन पर ब्लैंक हो जाएगा, मैसेज आएगा, पहले सीधे बैठो फिर काम करना। अब ये बच्चे सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में नहीं आया ये बात। ऐसे बहुत सारे आविष्कार हैं, बहुत सारे जन विचार हैं जो हमारे बच्चों के मन में आते हैं। दिक्कत मुझे बच्चों से नहीं है, बच्चे सृजनशील हैं, मुझे दिक्कत आप जैसे लोगों से, जो बड़े लोग हैं वो सोचते हैं कि बंद कर देते हैं। बचपन में तो कोई कमी नहीं है सृजनशीलता, इतने अच्छे अच्छे विचार बच्चे ला रहे हैं। एक बच्चे नागालैंड में बताया आपकी बात, बोला जूतों में टॉर्च की लाइट क्यों लगा सकते भाई, अब रात का टाइम आपको बाथरूम जाना है, आप लाइट जलाएंगे तो मेरी भी लाइट डिस्टर्ब, मेरी भी नींद खराब होगी, आपके जो साथी हैं उनकी नींद खराब होगी, है ना। आपको रास्ता तो नीचे देखना है ना, कोई जूता देखा आपने ऐसा जिसमें लाइट लगी हो नीचे, ये कौन बोलता है? बच्चों के होते नागालैंड से एक बच्चा बोल रहा है, पिछले इतवार में मैंने डीएनए में लिखा इसके पास। तो मतलब ये कैसे करें ताकि बच्चों के विचारों को बढ़ाएं। और बच्चों तो मुझे बिल्कुल शिकायत, उनके माता पिता से शिकायत, जो बच्चों को एक माउथपीस बना लेते हैं अपने विचारों को, अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम, जो हताशाएं हमारे जीवन की हैं हम अपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं, उनसे शिकायत है, उन अध्यापकों से शिकायत है जो बच्चे के सवाल जब ऐसे आते हैं जिनका जवाब नहीं जानते तो क्लास में कहते नहीं कि भाई इसका जवाब मुझे नहीं मालूम। तो बच्चा सोचता है टीचर को सब कुछ आता है, कोई टीचर ऐसा दुनिया में नहीं बना आज तक जिसको सब कुछ आता हो। तो हमने बच्चे को नम्रता नहीं सिखाई, बच्चे को हमने ये सच बोलना नहीं सिखाया, हमने बच्चे को ये नहीं कहा कि अगर मुझे नहीं आता है तो भाई मैं पढ़ के बताऊंगा आगे। तो ये सवाल, ये दिक्कतें हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ। विद दिस आई कंक्लूड दिस सेशन सर, थैंक यू वेरी मच, आपका खूब खूब धन्यवाद सर। और ये सेशन से एक सीख लेके जाते हैं कि डाउनलोड के साथ अपलोड भी ज़्यादा करेंगे, और अच्छा अपलोड करेंगे और शेयर भी ज़्यादा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग गुड ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। अने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल 2016 ना फोर्थ एडिशन में फरीथी आप सबनु स्वागत छे। अने हवे अहीं एक बहु ज इंटरेस्टिंग सेशन थवा जई रह्यो छे, जे सेशन नो नाम छे गुजराती फिल्मो वखोड़वी के वखाणवी। अने ए सेशन माटे आपणा मेहमान छे श्री संदीप पटेल, श्री निखिल मुसड़े अने वैशल शाह, श्री शैलेंद्र वाघेला अने श्री जयेश अध्यारो। बीजो एक अनाउंसमेंट ए छे कि कनोरिया लॉन्स में जे 5:45 अड़पोदरा थी अमेरिका सेशन थवानो छे, ए शिफ्ट थईने सेप प्लाजा में एक समय आजे थशे। हाँ, ए
સેશન 5:45 જ છે અને એ સેપ પ્લાઝામાં થશે. કનોરિયા લોન્સમાં થવાનો હતો પણ એ ત્યાં નહીં થાય, પણ સેપ પ્લાઝામાં થશે. ના, એ અત્યારે નથી. ના, બીજું એ કે તમારી પાસે વેન્યુ નું અને સેશન્સના લિસ્ટનું આજે પેપર છે, એ પેપર કદાચ ખોવાઈ જાય અને તમારે બીજાને પૂછવું પડે કે કોઈ ચેન્જ હોય, તો GLF ની એક એપ્લિકેશન છે, એન્ડ્રોઇડ એપ, એ તમારા ફોનમાં ડાઉનલોડ કરી લો અને એની અંદર તમે તમારા ફેવરિટ સેશન્સ માર્ક કરી શકો છો. એ તમારા કેલેન્ડર સાથે અટેચ થશે અને તમને એના રિમાઇન્ડર્સ આવશે. તો તમે એ ડિજિટલ, તમે ટેકનો સેવી જો હોય તો યુ કેન યુઝ ધેટ એપ. આઈ હોપ કે યુ ઓલ હેડ લંચ, સ્નેક્સ, વોટ એવર, યુ લુક ફ્રેશ. ઊંઘ નથી આવતી ને? જો ઊંઘ આવતી હોય તો ફૂડ કોર્ટ છે, યુ કેન હેવ ટી એન્ડ સ્નેક્સ ધેર. એ સિવાય નિનીસ કિચન છે અને હેપી રોલ્સ પણ છે, યુ કેન હેવ સ્નેક્સ ધેર. થોડી જ વારમાં આપણો જે સેશન છે, ગુજરાતી ફિલ્મો વખોડવી કે વખાણવી, એ શરૂ થશે. એ સિવાય આજે આ વેન્યુ પર સાદિક નૂર પઠાણ, સાદિક સર અહીંયા જ છે, એમનો સેશન થવાનો છે સાંજે 5:15. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ આપણો અત્યારનો સેશન. આઈલ હેન્ડ ઓવર ધ માઇક ટુ ભાર્ગવ. હેલો, શરૂ કરીએ? કેમ કે હમણાં હું વોશરૂમ જઈને આવ્યો ને તો બાજુમાં બે જણા ઊભા હતા કે પેલું ગુજરાતી પિક્ચરવાળાનો ટાઈમ થઈ ગયો, જલ્દી કરો જલ્દી કરો, એટલે મને એમ કે વધારે લોકો આવશે. પણ કંઈ નહીં, મને લાગે છે કે બધા વક્તાઓ તો ત્યાં હાજર છે મોટાભાગના, તો આપણે શરૂ કરી શકીએ. ગુજરાતી ફિલ્મોને વખોડવી કે વખાણવી, ફેસબુકની વોલ્સ અને છાપાની કોલમ્સમાં લખાતા રિવ્યૂઝની અસર ગુજરાતી ફિલ્મો પર શું થાય છે? અત્યારે એવું છે કે જેટલા માથા એટલા મત છે, મત એટલે વોટ નહીં પણ અભિપ્રાય. જેટલા લોકો છે બધાનો પોતાનો અભિપ્રાય છે અને સોશિયલ મીડિયા જેવું માધ્યમોમાંથી બધા અભિવ્યક્ત કરે જ છે, દરેક પ્રકારની એની અસર છે. ક્યારેક કોઈક ફિલ્મ જોઈને કોઈક એના વિશે સારું લખે, આપણને જોવા જવાની ઈચ્છા થાય, ને ક્યારેક પૂર્વધારણા પણ બંધાઈ જાય કે યાર લોકો સારું નથી કહેતા એટલે મારે જોવી કે ના જોવી, અને આવા અનેક પાસાઓ છે રિવ્યૂઝના. તો આજે આપણી સાથે આ વિષય પર સંવાદ રચવા માટે છે શ્રી સંદીપ પટેલ. સંદીપ પટેલ બહુ જાણીતા નિર્દેશક અને વિવેચક આપ સૌ જાણો છો, એકવાર તાળીઓ થઈ જાય.